नमस्कार दोस्तों, 31 जनवरी 2024 एलॉन मस्क के द्वारा जो बनाया गया था ये ब्रेन के लिए न्यूरालिंक चिप, इसको जो है एक इंसान पे प्रयोग करके ये जो है लगा दिया गया, और ये जो है इसका प्रयोग मतलब सफल भी रहा, यानी सक्सेसफुल रहा। अब ये स्टार्टिंग है, पॉइंट है जहाँ से उन्होंने वो 31 तारीख को ये स्टार्ट किया है। पहले जानवर पे था, उसके बाद फिर इंसान पे उनका पहला 31 तारीख को जनवरी में स्टार्ट हुआ। इसी चीज़ को देखिए, हमने 2 साल करीब हुआ एक डायग्राम के द्वारा यहाँ पर बताए थे आपको कि यहाँ पे हमारे अगर ऐसा होगा कि जैसे नेटवर्क हमारा मोबाइल का नेटवर्क होता है, ऐसे सेम हमारा भी यहाँ पे ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग सिग्नल के प्रोसेस होते हैं, और एक चिप के द्वारा इसे जैसे किसी चीज़ की एम्पलीफाई की जाती है या उसे मॉडिफाई किया जाता है, तो ऐसे हमारे भी यहाँ पे कहीं उसे लगाकर भी देखिएगा, ऐसा दिन आएगा कि उसमें भी परिवर्तन किया जा सकता था। बल्कि कुछ लोग कमेंट भी किए थे कि ये बहुत दूर है, ऐसा नहीं होता। आज ये चीज़ें देखिए, ये क्लियर है। अभी इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, जो आपको लगता होगा कि ये बार बार ये फालतू बातें करते हैं, मैं फालतू बात नहीं करता हूँ। मैंने जो इस पे स्टडी की है, जो भी अध्ययन किया है इस अपने बॉडी पे, इसका हम आपको विस्तार से बताएंगे जो जो हमको इसमें, क्योंकि बहुत थोड़ा सा ये पॉइंट है नहीं कि इसे हम एक्सप्लेन कर दें। हम डायग्राम के द्वारा और ये कैसे इसकी वर्किंग प्रोसेस है उसको प्रूफ भी कर, क्योंकि किसी चीज़ को देखिए हवा में बोलना अलग बात होता है, जब तक किसी चीज़ को प्रूफ ना कर लिया जाए तब तक वो चीज़ें क्या होता है बताना एक कठिन हो जाता है। क्योंकि जब आप यहाँ पे कुछ बताएंगे तो उसे प्रूफ भी करना चाहिए, अगले को एहसास भी होना चाहिए कि हाँ ये ऐसे वर्क करता है। इसमें देखिए, सबसे जो हमको जानने की जो ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने स्वयं का। अगर कुछ भी इम्पॉर्टेंट है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्वयं है। देखिए क्यों, क्योंकि किसी की कॉपी क्यों होती है, जब कोई यानी हम किसी का कॉपी क्यों करते हैं, इसका आप जानते हैं कि इसलिए कि उस चीज़ को हम अगर नहीं कुछ अपने स्वयं के द्वारा नहीं कर पाते तो हम उसका कॉपी करते हैं। हमारा अगला ब्रांड नहीं होता तो हम दूसरे का ब्रांड का कॉपी करते हैं। तो इस चीज़ को समझना है बहुत ज़रूरी, क्योंकि देखिए आज ये ऐसे क्या ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इसमें अगर कुछ खास बात ना होता तो अब इसके पीछे लगने का मतलब क्या है कि इसमें कुछ है, बहुत कुछ है। अब वो उस चीज़ को हम समझेंगे ये बारी बारी से, तो हम क्योंकि ये छोटी सी टॉपिक नहीं है, हमने इस पे बहुत ही रिसर्च किया है और ऐसे ऐसे ट्रैप्स में खुद ही फंस गए हैं और बामुश्किल उससे निकले हैं। ये हम चीज़ों को बताएंगे, क्योंकि जब कहीं कोई चीज़ आप कोई प्रयोग करते हैं तो कभी कभी वहाँ पे फंसना भी पड़ता है, निकलना भी पड़ता है। तो ये सब सारी चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए हमने कुछ चीज़ों को नोट किया है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए हमारा भी एक इलेक्ट्रिकल बॉडी है, आप इसको माने, हम अभी प्रूफ इसलिए नहीं कर पाते कि हमारे पास देखिए कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा है नहीं, लेकिन हम उसकी फीलिंग के द्वारा हम आप चीज़ आपको ये चीज़ों को एहसास दिलाएंगे और बताएंगे उस पर कि कैसे ये इलेक्ट्रिकल बॉडी है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल बॉडी ना होती तो देखिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट हमारे टेस्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं टोटल इलेक्ट्रॉनिक है, और इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी मेजरमेंट होता है तो इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी मेजरमेंट अगर किया जाता है तो वो वोल्टेज के थ्रू किया जाता है। वोल्टेज थ्रू मतलब क्या होता है, चाहे वेवफॉर्म में, चाहे वोल्टेज में, चाहे डेटा बेसिस पे इसकी रीडिंग की जाती है। ठीक है, इसी रीडिंग के सारे प्रोसेस को हम जो है फॉलो करते हैं और इसी प्रोसेस के अनुसार सारे काम करते हैं। क्योंकि आप देखेंगे बहुत ध्यान से तो हम इंटरनल एक दूसरे से कनेक्ट हैं। कनेक्ट मतलब होता है जैसे ये एक जाल है, जाल मतलब नेट मीन्स जाल होता है, इंटरनेट जैसे इंटरनल सारे जुड़े हैं, ऊपर से जो है अलग अलग है। ऊपर से अलग अलग क्यों है, क्योंकि ये इनोड्स का सिस्टम है, अलग अलग नहीं करेगा तो जैसे कोई हमारे सर्किट में जो शॉर्ट हो जाता है कि मान लीजिए कोई प्रोसेस को सप्लाई प्रोसेसर को सप्लाई जा रही है 1.2, कहीं 3 पॉइंट, अगर दोनों को टच किया जाए तो शॉर्ट हो जाएगा। तो अलग अलग वोल्टेज अलग अलग उससे जो फ्रिक्वेंसी पे अलग अलग सेक्शन को काम करने के लिए जैसे जैसे सप्लाई दी जाती है कि एक दूसरे से कनेक्ट ना होके, मैंने शॉर्टिंग ना होके, और सब अपने अपने काम पे मतलब दौड़ पड़ते हैं। जितने भी वोल्टेज को हम डिवाइड करते हैं वो सब अपने अपने काम पे लगे रहते हैं। जैसे कोई एक दूसरे से शॉर्ट होता है तो देखिए वो सर्किट
काम करना बंद कर देती है या हैंग हो जाती है। तो यही हम लोगों को समझना है, ये भी हम सब भी एक समझ लीजिए एक इंस्ट्रूमेंट हैं, और इंस्ट्रूमेंट है उस कुदरत के। आप बहुत गहराई में और जाएंगे तो इसको और भी चीज़ें देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए हम कहीं लगता है कि इनके पास से हम छीन लेंगे, इनके पास हम ले लेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए उनके पास भी वही प्रोसेस है, हम उस चीज़ को सिस्टम को समझने की ज़रूरत होती है। जैसे हम कोई चीज़ सीखने की ज़रूरत होती है, तो सीखने का मतलब क्या होता है कि अगला सीख चुका है उससे हमको सीख के अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। इस चीज़ को बहुत ही डिटेल से जानने की ज़रूरत है। जैसे इस पे एक बात और करेंगे हम, क्योंकि देखें अगर हमारे जो सिस्टम है टोटल, अभी इसका मान लीजिए ये जो न्यूरोलिंक का अगर ये चिप है इसका कनेक्शन करना है, तो किस पॉइंट पे किस जगह पे कनेक्शन होगा? क्योंकि अगर सही जगह पे कनेक्शन होगा तभी लिंक हो पाएगा, और हमारे जो न्यूरॉन्स है उससे लिंक करके इसको जो है चिप को, और उसे टोटल जो है एक्टिव करके, और इस चिप के द्वारा जो है उसे ऑपरेट कराने का यानी ड्राइव कराने का जो सिस्टम है, ये कैसे पॉइंट पता लगा? उस पर ध्यान देने से, या उसको पहले कल्पना में ही था, बाद में उस चीज़ को एक इंस्ट्रूमेंट पैदा किया गया। जैसे क्योंकि हमारी ये क्या होता है कि एक सिस्टम है जो एक फिक्स फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, तो आप देखेंगे कि जैसे हम कुछ साउंड ऐसे हैं कि उस फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा हम लो लेवल का भी नहीं सुन पाएंगे और हाई लेवल का भी नहीं सुन पाएंगे। अब हमारे न सुनने का मतलब ये नहीं कि वो चीज़ें आवाज़ नहीं है, हमारे आसपास है आवाज़, लेकिन हम उससे अलग हैं। और दूसरी बात है कि हमारी आँख बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि उसे देखने की जो कैपेसिटी होती है, जो पिक्सल होता है, वो भी अलग होता है। देखिए कैमरे का जो वो मॉडिफाई करते करते ये कैमरे का जो रिस्पांस है पिक्सल से रिलेटेड, वो देखिए आँख से ही है, क्योंकि देखने की जो कैपेसिटी है वो भी एक लिमिटेड है कि इतने के बाद जो है हम उस चीज़ को नहीं देख पाते। तो ये सब क्या है, एक सिस्टम है, और इस सिस्टम के अनुसार हमको समझना है कि हम भी एक इंस्ट्रूमेंट हैं, और इंस्ट्रूमेंट कुदरत के हैं, और किस लिए आए हैं, क्या करना है, इस चीज़ पे हमको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब हम आपसे बताएं कि इंटरनल सब जुड़े होते हैं और आउटसाइड अलग होते हैं, अब आउटसाइड में क्या होता है, आउटसाइड में मैचिंग की बात होती है कि जैसे एक व्यक्ति ये काम करता है, सेम उसकी जो कनेक्शन इंटरनल हार्ट बीट से उसकी मैचिंग होती है, यानी जो फ्रिक्वेंसी उसकी मैचिंग होती है, वो चीज़ें अलग होता है। एक ज़बरदस्ती से जो कनेक्ट होता है वो अलग होता है। आप क्लास में देखते होंगे सबके क्लास को अलग अलग किया जाता है, डिस्टरबेंस ना हो इसलिए। और दूसरी बात आप देखते होंगे कि अगर हर व्यक्ति अपने अपने काम में बिजी रहे तो किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कब होता है कि जब इंटरफेस दूसरे की मतलब दूसरे में इंटरफेसिंग होती है, ज्वाइंट कनेक्शन होता है, वहीं पे प्रॉब्लम होता है। अगर मैचिंग का है तो फ्लो है, यानी कोई डिस्चार्ज नहीं है, और अगर अगर अनमैचिंग है तो डिस्टरबेंस होगा, डिस्टरबेंस होगा तो बैटरी डाउन होगी, डिस्टर्ब होगा, फ्रिक्वेंसी डिस्टर्ब होगा तो सब डिस्टर्ब होगा। और दूसरी बात ये है कि जो भी चीज़ें समझ लीजिए पूरे संसार में दबाई गई थी, वो चीज़ें अब उभर कर आपको सामने दिखेंगी। जितनी भी क्रिएटिविटी, जितनी भी नॉलेज, जितनी भी इंफॉर्मेशन दबी थी, वो आपको इस शब्द के रूप में बहुत, अभी हम नहीं बता पाएंगे कि किसके मुंह से कौन सा वर्ड निकले या कौन सा किसके बारे में कौन बता ले जाए। एक छोटा बच्चा भी बता सकता है, एक बड़े लोग भी बता सकते हैं, एक मीडियम क्लास के भी बता सकते हैं, कोई कहाँ किसके द्वारा जो है ये चीज़ें निकलना शुरू होगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन अब सारी चीज़ें जो भी दबी थी पूरे संसार में वो उभर कर आ जाएगी, वो चाहे कितना भी सीक्रेट हो, कोई उसमें क्रिएटिविटी जो दबी थी पहले की वो सारे उभर कर आ जाएंगे। इसलिए कि क्योंकि हमने जो है अभी कुछ दिन पहले आपको बताया था कि जो हमारी जो कंसंट्रेशन है, चेतना है, जो ध्यान है, ध्यान का मतलब क्या होता है कि एक रेज की तरीके से समझें, जैसे रेज होता है ना जो किरण निकलती है, ध्यान भी एक है कि जहाँ पे आप ले जाएंगे तभी उस चीज़ के बारे में जान पाएंगे। क्योंकि जहाँ पे आप बिजी रहेंगे, बाहर अगर सब कुछ होता रहे, तो आप उसका उसके बारे में नहीं जान पाएंगे। क्योंकि ध्यान हमारा एक ही जगह घटित होता है, तब हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले पाते हैं, वो कोई भी टॉपिक हो। तो ऐसे ही हमारा सिस्टम काम करता है, तो इस सिस्टम को बहुत ज़रूरी होता है समझना, और इसलिए समझना ज़रूरी होता है कि इस समय का जो भी साइंस है, जो भी टेक्नोलॉजी है, वो चीज़ें अलग है, वो पहले की टेक्नोलॉजी, पहले का जो साइंस था अलग था। दिन बा दिन ये सारे चेंजेस होते चले जा रहे हैं। आप ही देखिए आपके कितने डाउट होते हैं कि जब आप किसी के वीडियो को देखते हैं, वीडियो को देखते समय देखिए जब उसमें कहीं वो पहले अगर सही बताया है
तो ठीक है, आप उसको सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। अगर कहीं वो रॉन्ग बताया सुनते समय तो तुरंत आप अनसब्सक्राइब करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको उसके ऊपर विश्वास नहीं है, क्यों? पहले विश्वास था तब आप सब्सक्राइब किए, अब विश्वास नहीं है अनसब्सक्राइब किए, फिर ऐसे ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अगर जिस पे विश्वास करते, मान लीजिए मोबाइल पे या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, वो आपको इन्फॉर्मेशन के रूप में डिजिट दे रहा है, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी है। अब उसमें अगर वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो गलत है। हम इसकी बात कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, कि अगर ये राइट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और राइट कैसे जानेंगे? कहीं ना कहीं इसका जो है मैचिंग करेंगे तभी राइट आपको मालूम होगा, और नहीं तो जब तक नहीं जानेंगे जब तक इसको सही मानेंगे, और जैसे ही जान लिए कि यहाँ पे कुछ है या दिखा कुछ रहा है, तब आपको लगेगा कि हाँ ये गलत है। तो गलत अब भी ये नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम को इससे मैच करा के यानी दोनों को सही किया जा सकता है। तो ऐसे ही इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जितना किसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ें आप नहीं जान सकते किसी भी बारे में, क्योंकि आपका उतना ही जान पाएंगे जितना उसका आउटपुट है। अभी हम कोई चीज़ रॉन्ग बता दे तो आपको लगेगा ये कुछ नहीं जानते। अभी हम आपको उसके इंटरनल एक एक फंक्शन को, एक एक पॉइंट को बहुत क्लियर बता दें तो आपको लगेगा बहुत ज़्यादा जानते हैं। ये ऐसा क्यों है? तो कैसे क्लियर नहीं कर पा रहे हैं आउटपुट की वजह से, ठीक है? तो आप इंटरनल नहीं जान पाएंगे, क्योंकि इंटरनल एक अलग कनेक्शन है। और देखिए, हमने जो इस रेजिस्टेंस के बारे में, कलर कोड के बारे में बताया था, अब उसमें देखिए ओम्स लॉ का जो जो नियम है, ओम्स लॉ जो बना है, उसमें देखिए अगर हम अपने कलर कोड या उसके डिजिट से मतलब रखते तो हम उसके इंटरनल ये ना जान पाते कि इस हरे रंग का और इस ब्लू रंग का, इस रेड रंग मतलब जो रंग है जिसमें हमारे जो 9 कलर यूज किए गए हैं, इसका मतलब क्या है, तो हम उस चीज़ को वहाँ तक ना पहुँच पाते। जैसे हमने उसकी जो है कनेक्शन, यानी हमारे इंटरनल उसके कनेक्शन यानी उसकी कनेक्टिविटी जुड़ी, जैसे उससे इन्फॉर्मेशन तुरंत अंदर फ्लैश हुआ, और उसी चीज़ को, और देखिए और उसको कितना दिन से हम जान रहे हैं, बस इतना ही मतलब रखते हैं कि हमारा जो है ग्रीन 5 है, ग्रीन 5 है, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि क्यों 5 है, वो 4 क्यों नहीं है, 3 क्यों नहीं है, और हरा क्यों है, हरा का रंग का मतलब क्या है। और आप देखिए इसी साइंस को लेकर अब आपको ये चीज़ें जानना भी ज़रूरी होगा, क्योंकि आप जो पहले सेक्शन वाइज सारे काम करते थे, अब देखिए एक चिप में छोटे से इंटरनल सारे जो पूरे पीसीबी को ही उस आईसी में कर दिया गया। अब जानना क्या ज़रूरत है? जो वायरलेस सिस्टम है, वायरलेस मतलब बिना तार के, उस चीज़ का अध्ययन करने की ज़रूरत है। अध्ययन करेंगे, उस पर विचार करेंगे, उस पर प्रयोग करेंगे, उसके सिस्टम को समझेंगे, तब आपको ये टेक्नोलॉजी को समझना, रिपेयर करना और सारी चीज़ों को फॉलो करना, ये सब सारी चीज़ें जो है समझ में आएगी, यानी आना शुरू होगा।